प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, मैं आज आप लोगों को जगवंती गर्ल्स कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों को उपसर्ग पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले उपसर्ग का अर्थ क्या है। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ होता है, उपसर्ग पहले दो शब्दों से बना है। उपसर्ग दो शब्दों से बना है। पहला शब्द है, दो अक्षरों से बना है। पहला अक्षर है उप, दूसरा है सर। पहला गया उप, दूसरा सर। तो दोनों से यह उपसर्ग बना है। उप का अर्थ होता है निकट, पास या नजदीक, और सर का अर्थ होता है सृष्टि करना या रचना करना। तो इस प्रकार से उपसर्ग का अर्थ है कि उपसर्ग वे वर्ड या वर्ड समूह जो किसी शब्द से पहले जोड़ करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या बदलाव उत्पन्न कर देते हैं या उसमें नवीन विशेषता पैदा कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो जैसे हार, हार शब्द के पहले प्र लगा है, हार शब्द के पहले प्र लगा करके हम प्रहार शब्द बनाते हैं। तो हार माने होता है माला होता है, हार माने माला होता है, और उसके सामने अगर हम प्र लगा दें तो प्रहार हो गया। तो पहले हार शब्द का अर्थ बदल करके प्रहार हो गया। प्रहार मतलब होता है मारना, धमकाना। तो इस प्रकार से मतलब प्र लगने से उसका अर्थ बदल जाता है। तो इसके बाद फिर अगर हम हार शब्द में ही दूसरा उपसर्ग लगा दें, जैसे बी है, बी भी उपसर्ग है, तो बी लगा दें तो हार में तो बिहार हो जाता है। बी में लगने से क्या होगा, बिहार। तो बिहार का अर्थ, वो हार का अर्थ बदल करके तो भ्रमण करना हो जाता है। बिहार माने हो गया भ्रमण करना। और फिर उसी प्रकार से हार के पहले अगर मैं आ लगा, एक उपसर्ग आ है, हार के पहले आ उपसर्ग लगा दें तो आहार बन जाता है। तो आहार माने हो गया भोजन, आहार माने भोजन हो जाता है। तो इस प्रकार से उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है या बदलाव हो जाता है, तो इसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। अब इसके बाद कुछ और उपसर्ग हिंदी में है। हिंदी में जैसे उपसर्ग दस होते हैं, हिंदी में उपसर्ग दस होते हैं। पहला है अ, एक अ उपसर्ग है, और इसके बाद एक अध है, एक अध होता है, जिसके बाद शब्द बनता है, जैसे विश्वास, एक विश्वास शब्द है, इसमें उपसर्ग लगा दें तो क्या होगा, अविश्वास हो जाता है, बिना विश्वास के। अब उसके बाद दूसरा है, एक अध है, और अध में अध का अर्थ होता है आधा। तो इस प्रकार से जैसे एक शब्द है मरा, एक शब्द मरा है, उसके आगे अगर हम उपसर्ग अध लगा दें तो उसका शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, यानी उसका अधमरा हो जाता है। तो इस प्रकार से हिंदी में कुल 10 उपसर्ग माने गए हैं। इसके अलावा संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। तो पहले आप हिंदी उपसर्ग को तैयार करिए, इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ करके देख करके इसको अपने कॉपी पर लिख लीजिए, इसके बाद तब दिखाइए, तब अगले दिन फिर आपके आगे पढ़ाया जाएगा।